स्वागत है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 7 बेस्ट एमोलेड डिस्प्ले 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000, जहाँ पे आपको सिर्फ 15,000 के अंदर 3D एमोलेड का डिस्प्ले मिलने वाला है। उसके साथ साथ 6,000 mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा, 44W की फास्ट चार्जिंग मिलेगा, OIS कैमरा मिलेगा और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए 15,000 के अंदर सुपर एमोलेड 5G स्मार्टफोन तो वीडियो को फुल देखना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 12 5G। जैसे ही पता है इंडिया पे Note सीरीज काफी पॉपुलर है, उसी का ये डिवाइस काफी अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 6.67 inch का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा 120Hz के रिफ्रेश रेट। तो कंटेंट कंज्यूम के लिए ये डिवाइस काफी तगड़ी होने वाले है। वहीं पे आपको मिलने वाले 1200 nit पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और 120Hz रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग में ये आपको काफी फायदे देने वाला है। और दोस्तों, इसकी बात मेरा पर्सनल जो फेवरेट चीज है, इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट, जो आपकी 6nm पे बेस है और ये एक 5G चिपसेट है। और दोस्तों, इसकी जो एंटू स्कोर है ना, वो 6 लाख के आसपास है। तो इस प्राइस पॉइंट में इतना पावरफुल डिवाइस मुझे नहीं लगता अदर कोई भी डिवाइस में है। तो इस मोबाइल पे आप कोई भी टाइप की गेम को एकदम हाई लेवल पे खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट भी मिल जाते हैं, तो प्रॉपर गेमिंग डिवाइस भी आप इसे कह सकते हो। तो आप अगर ढूंढ रहे अंडर 15,000 में 5G एक गेमिंग डिवाइस, तो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों, बात करो रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरियंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरियंट 4GB 128GB और दूसरे आपको 8GB प्लस 256GB वेरियंट मिल जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद इसकी जो कैमरा है ना, कैमरा भी काफी तगड़ी है। तो कैमरे के लिए भी आप अगर 15,000 में मोबाइल लेना चाहते हो ना, तो भी इसे ले सकते हो। यहाँ आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 48MP का होने वाला है। उसके साथ साथ आपको 8MP का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा और 2MP का एक मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर मैं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13MP का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, इस मोबाइल पे आपको एक अच्छी चीज मिल जाता है, IP53 का रेटिंग मिल जाता है, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों, बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000mAh का बैटरी, उसके साथ साथ 33W के फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा इस डिवाइस पे। तो दोस्तों, बात करें इसकी प्राइस, तो इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास फ्लैक्चुएट होता है। अभी इसकी 15,500 है, पर यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 13,500 हो चुका है। इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल होने वाला है। इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। दोस्तों, ये डिवाइस है आईटेल की तरफ से, आईटेल H23 Plus। तो सबसे पहले इसकी लुक एंड डिजाइन की बात करें, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिल जाएगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। डिवाइस की वेट है 178 ग्राम, तो ये डिवाइस काफी हल्का है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 7.9mm का स्लिम थिकनेस मिल जाएगा, तो डिवाइस काफी स्लिम और हल्का है। इन हैंड फील काफी अच्छा दिखा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा विद LED लाइट। डिवाइस पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, जो काफी प्यारा है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके हाइलाइटेड फीचर इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 inches का फुल HD प्लस एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एमोलेड के साथ साथ कर्व डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाले। और दोस्तों, उसके साथ साथ इस डिस्प्ले पे आपको 500 nit पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया, तो आउटडोर पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस डिवाइस पे आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, तो प्रोटेक्शन काफी जरूरी है। तो इस डिवाइस पे प्रोटेक्शन पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दिया गया, जो काफी अच्छी बात है। इस मोबाइल पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही देख सकते हो, ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो दोस्तों, ये तो गया इसकी डिस्प्ले। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके साथ साथ 0.08 मेगापिक्सल का एक AI लेंस भी
मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वही पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाले है, जो काफी अच्छी बात है। सेल्फी कैमरा से भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला यूनिसॉक की T616 चिपसेट जो 4G है। मतलब दोस्तों ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है, यहाँ पे आपको 5G नहीं मिलेगा। वही पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 4GB 128GB 8GB 256GB। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। बात करें इस डिवाइस की सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और आईटेल ओएस 13 पर। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस ब्रांड है उसकी प्राइस करंट टाइम में 14,000 है, पर कोई भी सेल वगैरह आता है तो यहाँ पे आपको 1000 rupees का डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 13,000 आ जाते हैं। तो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट एक प्रीमियम डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करें, तो दोस्तों आपको अगर कर्व डिस्प्ले पसंद है और आप अगर हैवी गेमिंग या फिर हैवी यूज नहीं करते हो मोबाइल को, तो आप इस मोबाइल के साथ जरूर जा सकते हो। नॉर्मल यूज के लिए ये मोबाइल वन ऑफ द बेस्ट है, उसके साथ साथ कर्व डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी एक डिवाइस है, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है Realme की तरफ से आने वाला Narzo सीरीज का Realme Narzo 65G, जो काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो एक एक करके क्या कुछ मिलने वाला है जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो बैक पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा और बैक आपको प्लास्टिक और लेदर फिनिश दोनों पे ऑप्शन मिल जाएगा। वही पे जो फ्रेम वो प्लास्टिक का होने वाला है। डिवाइस की वेट होगा ओनली 182 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का होने वाला है। वहीं पे बात करें जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.63 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों इस मोबाइल पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है विद 90Hz रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी होने वाला है। जहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलने वाला है। वहीं पे बात किया जाए कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6020 चिपसेट, जो एक 5G चिपसेट है, जहाँ पे इंडिया के अवेलेबल सभी 5G बैंड मिल जाएगा। तो 5G कनेक्टिविटी काफी अच्छा इस डिवाइस पे होने वाला है। और दोस्तों बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा। बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा, उसके साथ साथ 8GB रैम 256GB रोम और एक वेरिएंट पे मिलेगा। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विद 33W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से 50% चार्ज ओनली 29 मिनट में होने वाला है। और दोस्तों जैसे कि ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मोबाइल है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है, उसके साथ साथ 3.5mm जैक भी मिलने वाला है। वही पे यहाँ पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 और रियलमी UI 4.0 पे रन होगा। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 11,500 है और मैक्सिमम पर यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 15,000 के आसपास आ जाता है। वही मैं बात करें 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट की, तो उसकी प्राइस 19,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी F15 5G, जो एक बजट सेगमेंट की डिवाइस है। तो क्या कुछ फीचर मिलते हैं एक एक करके जान लेते हैं इसकी।
तो सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलेगा, रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट पे आपको यू नॉच मिलेगा। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी प्रीमियम है, कैमरा सेटअप की वजह से यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फील देगा। वहीं पे डिवाइस के वेट की बात किया जाए 217 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा हैवी है। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर इस डिवाइस के हाइलाइटेड फीचर है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जा रहा है, जो काफी अच्छी बात है और इंडिया पे एक फर्स्ट टाइम होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से डिवाइस की क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों आप अगर कंटेंट कंज्यूम के लिए इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो आंख बंद करके इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। उसके बाद बात करें इस डिवाइस के कैमरा की, तो कैमरा सेक्शन भी काफी तगड़ी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे इस डिवाइस की जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। तो दोस्तों अंडर 12,000 में आपको मैक्रो भी मिलते हैं और वाइड एंगल कैमरा भी मिलते हैं, जो काफी अच्छी बात है। अदर्स कोई भी ब्रांड इतने सारे फीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा इस प्राइस पॉइंट पे, तो प्राइस के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। जैसे कि पता है कैमरा के लिए फेमस है सैमसंग के डिवाइस है, तो आप कैमरा सेंटर के लिए भी इस प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस को आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आप बात कर रहे थे इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। तो दोस्तों ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। बात किया जाए इस डिवाइस के रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा 4GB प्लस 128GB, 6GB प्लस 128GB। सिर्फ दोस्तों यही नहीं, इस डिवाइस पे आपको और एक हाईलाइटेड फीचर मिलता है, जहाँ पे आपको इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है। हाँ दोस्तों 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है, जहाँ पे ये डिवाइस 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एक बुरी बात है इस डिवाइस पे, आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो चार्जर को आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस के अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और One UI 6 पे रन होने वाले है। तो दोस्तों ये तो गए इसके सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस ब्रांड है 4GB प्लस 128GB, उसकी करंट टाइम पे 13,000 प्राइस है, पर ज़्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस है वो अंडर 12,000 आ जाता है। वहीं पे जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 14,500। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो, काफ़ी शानदार सा डिवाइस है। तो तो दोस्तों ये डिवाइस है IQOO की तरफ से, IQOO G7S 5G। इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक इसके सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे मिलने वाला है 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट पे, और दोस्तों ये एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1300 निट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा, तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा विथ OIS। हाँ दोस्तों OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट मिल जाएगा, जो 6nm पे बेस है, और ये एक 5G चिपसेट है जिसके एंथ्रो स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी होने वाला है। तो आप अगर गेमिंग के लिए भी इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो।
वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको दो वेरियंट मिल जाएगा। बेस वेरियंट 6GB प्लस 128GB होगा, वहीं पे आपको हार्ड वेरियंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको 4500mAh का बैटरी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 44W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से 1 to 50% चार्ज सिर्फ 24 मिनट पे हो जाएगा। और दोस्तों सिक्योरिटी पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी मिल जाता है। डिवाइस काफी हल्का है, सिर्फ 172 ग्राम इसकी वेट है। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर, जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको काफ़ी तगड़े मिलने वाले हैं। तो आप अगर ढूंढ रहे हो एक कैमरा सेंट्रिक मोबाइल या फिर गेमिंग मोबाइल या फिर एक ऑलराउंडर मोबाइल, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। या फिर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं, वॉइस की सपोर्ट भी मिल जाते, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है अंडर 15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है, तो आप इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। तो बात करें इसकी प्राइस की, तो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 14,999 मतलब 15,000 है। वहीं पे 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 16,000 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme P1 5G, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाले, कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे मिलेगा जहाँ पे आपको दो कैमरा मिलेगा। उसके साथ साथ डिवाइस की वेट 188 ग्राम होने वाले, तो डिवाइस काफी हल्का है। तो ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है। वहीं पे बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ डिवाइस पे आपको 2000 नीट ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ पे एमोलेड मिलता है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे होगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वह पे बात करें फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 705G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों इसकी एंथु स्कोर 600,000 से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम प्ले भी कर सकते हो, तो गेमिंग के लिए भी आप इस डिवाइस को चूज कर सकते हो। बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 6GB 128GB 8GB 256GB UFS 3.1 टाइप का। इस डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे दिया गया 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 45W फास्ट चार्जिंग, जो इस डिवाइस को सिर्फ 27 मिनट पे 50% तक चार्ज कर देगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया है। इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा, NFC नहीं मिलेगा। डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 Realme UI 5.0 पर। डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाले। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट 6GB 128GB है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 16,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस अंडर 15,000 में आ जाता है। वहीं पे बात करें सेकेंड वेरिएंट 8GB 256GB की, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे Realme की एक काफी शानदार सा डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है लाभा की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस लाभा ब्लेज एक्स 5G, जो एक कर्व डिस्प्ले मोबाइल होने वाला है। इस डिवाइस की कुछ हाइलाइटेड फीचर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 5x कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा, तो डिवाइस को और भी ज्यादा प्रीमियम कर देगा। डिस्प्ले प्राइस पॉइंट की सबसे काफी तगड़ी है। उसके साथ साथ बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर वाला कैमरा मिलने वाला है
रेयर पे। फोन पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। बॉय पे इस डिवाइस की प्रोसेसर की बात करें तो Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलने वाले, जिसके एंटूटू स्कोर 420,000 से भी ऊपर है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्रोसेसर भी काफी तगड़ी है और डिवाइस 5G के साथ आने वाला है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो इस डिवाइस पे आपको 5000 एमएच का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 33 वाट फास्ट चार्जिंग। तो सभी फीचर को आप देख सकते हो, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तगड़ी है। बात करें इस डिवाइस की प्राइस की, तो इसकी जो बेस ब्रांड है 4GB 128GB, उसकी काइंड टाइम पे 15,000 प्राइस है, पर यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की बात इसकी बेस ब्रांड की प्राइस 14,000 के अंदर आ जाएगा। तो 14,000 में आप अगर एक कार्व डिस्प्ले मोबाइल अगर लेना चाहते हो, तो इस टाइम पे इंटर मार्केट पे सिर्फ यही एक डिवाइस है जो आपको इन सभी फीचर को प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये डिवाइस वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी तो